तो गाइस आज हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल। और नियाग्रा फॉल कनाडा का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मतलब यहाँ पे रहना है तो नियाग्रा फॉल का मत्था टेकना ही पड़ेगा लाइक दिस। तो मतलब प्रॉब्ली हम पहुँच गए हैं नियाग्रा फॉल और आज हम आपको दर्शन कराते हैं इसके कि कैसा है ये और क्या है यहाँ पे अंदर से। तो लेट्स स्टार्ट। नियाग्रा फॉल कनाडा के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंडिया के लिए ताजमहल। अगर आप कनाडा आए हो और नियाग्रा फॉल ना जाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी जाए तो आपके सिबलिंग आप विश्वास ही नहीं करते कि आप कनाडा में रह रहे हो जब तक कि आप उनको एक फ़ोटो ना भेज दो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नियाग्रा फॉल कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे बना हुआ है और ये झरना यूएस की तरफ से गिर रहा है। यहाँ पे ये झरना जो गिर रहा है यही एक यूएस और कनाडा के बॉर्डर को डिफाइन करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एक ये स्टैचू भी लगा हुआ है। इन्होंने इस झरने को यूएस की तरफ से कनाडा तक रस्सी पे चल के क्रॉस किया था और इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लाइव भी दिखाया गया था। और गाइज ये यहाँ पर रेनबो ब्रिज है, ये यूएस और कनाडा को कनेक्ट करता है इस झरने के ऊपर से। बहुत सुंदर लगता है लेकिन बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ये वाला ब्रिज आप क्रॉस नहीं कर सकते हो पे। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो सोचा कि आज अपने यूट्यूबर फैमिली के साथ इसकी भी पिक्चर्स कुछ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ नए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब।